टेलीकॉम कंपनियां भारती एयरटेल और रिलायंस जियो भारत में तेजी से 5G नेटवर्क को रोल आउट करने की दिशा में काम कर रही है। दोनों कंपनियां देश भर के अलग अलग शहरों में 5G ट्रायल कर रही है। एयरटेल ने हाल ही में हैदराबाद में 5G का लाइव डेमो दिया था। एयरटेल जहां नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क पर भरोसा करती है, वहीं रिलायंस जियो स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क पर काम कर रही है। दोनों की तकनीक में थोड़ा सा अंतर है, ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर दोनों कैसे काम करती है और इनमें से कौन बेस्ट है। साधारण शब्दों में कहें तो जिस नेटवर्क को खड़ा करने के लिए 4G नेटवर्क की जरूरत होती है, उसे नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क कहते हैं। इसमें 4G LTE के EPC यानी कि इवॉल्व्ड पैकेट केयर को 5G टावर के न्यू रेडियो से कनेक्ट किया जाता है, मतलब नॉन स्टैंड अलोन 5G टावर 4G के EPC पर काम करता है और इस तरह 5G कनेक्टिविटी देता है। वहीं नॉन स्टैंड 5G नेटवर्क किसी भी प्रकार से 4G नेटवर्क के साथ काम नहीं करता है, मतलब 5G का टावर 5G के EPC पर आधारित रहता है। यह 4G से पूरी तरह से अलग एक 5G नेटवर्क है। इसे विकसित करने में ज्यादा खर्च आता है। यह अंतर है 5G नॉन स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड 5G नेटवर्क। स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन दोनों ही नेटवर्क बेस्ट है। जियो सीधे स्टैंड अलोन नेटवर्क पर खर्च कर रहा है, जबकि एयरटेल पहले नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क को विकसित कर रहा है और बाद में स्टैंड अलोन नेटवर्क पर शिफ्ट होगा, क्योंकि एयरटेल ने पहले से 4G नेटवर्क पर काफी खर्च किया है। स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क किसी लाइव ऑपरेशन, स्मार्ट टीवी, ड्राइवरलेस जैसे तकनीक के लिए जरूरी होता है, लेकिन जब तक भारत में ड्राइवरलेस कार जैसी तकनीक लागू होगी, तब तक एयरटेल पूरी तरह से स्टैंड अलोन नेटवर्क पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में दोनों ही नेटवर्क बेस्ट हैं। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की तरफ से लो बैंड 5G, मिड बैंड 5G और सब 6 GHz 5G बैंड पर काम किया जा रहा है। साथ ही कंपनी MMWave 5G बैंड पर भी काम कर रही है, जो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए जरूरी होता है, जबकि एयरटेल लो बैंड 5G पर काम कर रही है। एयरटेल ने हाल ही में 4G हार्डवेयर के साथ नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क पर लो बैंड 5G नेटवर्क का लाइव डेमो दिया था। साथ ही एयरटेल ने MMWave 5G बैंड का ऐलान नहीं किया है। जहां एयरटेल ने एरिक्सन के साथ 5G रोल आउट करने की दिशा में काम कर रही है, वहीं रिलायंस जियो क्वालकॉम और वोडाफोन आइडिया नोकिया के साथ 5G नेटवर्क को विकसित करने की साझेदारी में है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।